दाग जी आएंगे, बहुत अच्छा ब्लॉग उनके साथ बनता है, बहुत टाप्ट बनाते हैं। दूसरे में कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जिनको लोग दाना खिलाते हैं। मेले का नाम सुनकर के लोगों के अंदर हर्ष और उल्लास आ जाता है, ऐसा लगता है कि मेले में चले और घूमें फिरें, मौज मस्ती करें। ऐसे ही हमारे यहाँ का एक ऐसा जगह है जहाँ पर जैसे लोग बाबा धाम जाते हैं, बागेश्वर धाम जाते हैं, ऐसे ही धामों में धाम हमारे यहाँ भी एक धाम है। कौन सा धाम है? जैसा थंबनेल में जैसा कि आपने देखा है, तामेश्वरनाथ धाम। आज फिर वहाँ पर चल रहे हैं क्योंकि महाशिवरात्रि में लगभग एक महीने एक हफ्ते दिन तक यहाँ पर मेले लगा रहता है। मेला बहुत ही रोमांचकारी होता है। चलते हैं उस मेले में, बाबा तामेश्वरनाथ धाम में, जहाँ पर नेपाल के नरेश आते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखा होगा। आज चलने वाले हम अनुराग जी के साथ, मेले में घूमेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। आप भी तैयार हो मेरे साथ मेला करने के लिए तो तैयार हो जाओ। चैनल को पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को आप सर्च कर दो, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं मेले में। धूप काफ़ी अच्छी हो गई है, चलो चलते हैं। अभी बाइक तो हमारी है, लेकिन अनुराग से पूछेंगे कौन से बाइक से चलते हैं। देखना ये है कि अनुराग जी अपने बाइक से चलते हैं या हमारी बाइक से चलते हैं। अभी चलते हैं चौराहे पहले। ये आगे हम लोग चौराहे पे, अब वेट करते हैं अनुराग जी का। अब जब अनुराग जी आ जाएंगे तभी हम यहाँ से चलेंगे। तब तक बैठ के इंतजार करता हूँ अनुराग जी का। अनुराग जी कब आ रहे हैं? ना अनुराग जी आएंगे, बहुत अच्छा ब्लॉग उनके साथ बनता है, बहुत टाप्ट बनाते हैं। तो अब आ गए अनुराग जी, आइए 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 आइए, अभी का इंतजार था। तो चले अनुराग जी आ गए हैं, अभी इनके साथ हम लोग चलेंगे। कहाँ चलेंगे भाई? तामेश्वरनाथ मेला का चलने का प्रोग्राम है, और काफ़ी दिनों बाद ये अवसर आया है कि जो है हम और चंदन भाई साथ में चल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग भी बनाए हुए, मुझे जो है छूट गई है, फिर बन जाएगी, चिंता नहीं। हाँ, फिर बन जाएगी, आज चलते हैं। तो आज के वीडियो में जो है आनंद लिया जाएगा तामेश्वरनाथ धाम मेले का, मेले का आनंद लिया जाएगा, देख रहे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आई हैं, और तामेश्वरनाथ धाम का दर्शन जरूर करेंगे जी, है ना। चलिए मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चल चलते हैं, इस बाइक से चलते हैं। भाई लोग सवार हो गए हम लोग अपने इस धन्नों पर। फाइनली दोस्तों आ गए, सबसे पहले कहाँ आ गए, लकड़ी जहाँ बनती है फर्नीचर का सामान वहीं आ गए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं, हम लोग को भूख लग गई, कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। नाश्ता पानी में पासी में एक फुल्की की दुकान है। कहाँ घर है भाई फुल्की की दुकान वाले भाई? झांसी के फुल्की वाले हैं, वैसे प्रमिस हमारे यहाँ प्रसिद्ध भी है। आए फुल्की खाते हैं, उसके बाद चलते हैं मेले में, है ना। एक बच्चों के जब खिलौना होता है भोंपू के पास, रॉड है, दिखाए उठा के, एक टू एक टू, और क्या है? और ये पिपेरी है। अच्छा, वाह बबल है, वाह वाह क्या बात है। 10 रुपए का भोंपू कौन लेता है? सुबह लोग लेते हैं, मेला देखने बच्चे जाए लेते हैं। बच्चे कहाँ घर आपका? सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर जिला, बाप रे, कमाई अच्छी हो जाती है? नहीं, क्या मिल जाएगा दर्शन भाई सुल्तानपुर से खाना पीना? उसी में अच्छा सामान है जो भी, मतलब और भी कुछ है के लिए यही तीन चार आइटम। दोस्तों मेले में कुछ ऐसे छोटे छोटे दुकानदार आ रहे हैं जिनकी हालत बहुत ही दयनीय होती है, पता नहीं इनका क्या बिकता है क्या नहीं। सुल्तानपुर से नयू मोहम्मद जी यहाँ पर 10 रुपए 20 रुपए का खिलौना बेच करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता क्या कमाई होगी, लेकिन कमाई होती होगी तभी तो अभी बेच रहे हैं। दोस्तों हम लोग आ गए मेला में ही, अनुराग जी आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे। वैसे क्राउड है काफ़ी, आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, फिर भी सुनाई दे रहा होगा, है ना। सामने जो है मौत का कुआं है। तो गाइज ये रहा मेले का दृश्य। अभी तो हमें चलना है आपको मेन, जहाँ पर आपको दर्शन कराना, ये तो मेला है। तो आ गए हम इस तामेश्वरनाथ धाम मंदिर के पास, जो पीछे आप देख रहे हैं गेटी है,
अनुराग जी गरी का आनंद ले रहे हैं और हम भी गरी खाते हुए चल रहे हैं, चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, पास में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें मिठाई की। फाइनली उस पोखरे का विश्वामेश्वर नाथ मंदिर की जो विशेष महिमा है इस पोखरे की, इस पोखरे में कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जिनको लोग दाना खिलाते हैं और यहीं से जल भर करके आमेश्वर नाथ धाम यानी कि चिड़ियों के रास्ते अंदर ले जाकर उनको चढ़ाते हैं। आइए कुछ मछलियों का दर्शन भी करते हैं, देखते हैं कैसी हैं मछलियाँ यहाँ की। मछलियाँ जिसको आपने देखा कि यहाँ के लोग दाना भी खिलाते हैं, दाने में लाई मिलता है, लाई खिला सकते हैं, बाकी नरम नरम चारा चाहिए मछलियों को खाने के लिए, है ना। पोखरे से हम लोग आ गए मंदिर के पास जहाँ पर सुबह के समय काफ़ी भीड़ रहते हैं। पास में कुछ ऐसे लोहे के खंभे लगाए गए हैं जिससे लोग सीधे आसानी से मंदिर में जाएँ। दो पार्टी में महिलाओं पुरुषों का होता है जिससे असावधानीपूर्वक नहीं सावधानीपूर्वक प्रेम से लोग जाए मंदिर में जल चढ़ाएं, है ना। हम चलते हैं अंदर। बाबा जी का दर्शन हो गया और अब जो है दर्शन करने के बाद चलेंगे कहाँ पे, कहाँ चलेंगे भाई? चला जाएगा मेले में, अब मेले का दर्शन करेंगे। जय बाबा तमेश्वर नाथ क्या हमारा। दो बार चंदन लग गया, क्या बात है। ये भाई साहब हैं, भाई साहब कितना है टिकट आपका? 30 रुपए में। 30 रुपए में 6 राउंड चलिए चलते हैं। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Aur na to zarur batayega. Ali hai ali hai ye dil chahiye. मालिक है, पूछते हैं इनसे कितने का टिकट है। 20 रुपया। कितने चक्कर? 7 चक्कर। 7 चक्कर, 5 और 2 7, 7 चक्कर लगाए। चलिए चक्कर लगा के दिखाते हैं कैसा लगता है अनुभव। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा। क्या नाम है? कुलदीप विश्वकर्मा। कुलदीप विश्वकर्मा, इनका नाम है कहाँ से है? सीतापुर। सीतापुर से हैं ये, है ना। चलिए चलते हैं दिखाते हैं। वैसे तो हम लोग ट्रेन में बैठे ही है लेकिन ये ऊपर नीचे होगा, इस ऊपर ट्रेन चलनी शुरू हो गई। चक्कर हो गया, आनंद ले लिए भरपूर। कैसा लगा भाई? बहुत आनंद आया, साथ में हमारे यहाँ कुछ बच्चे भी हैं और चलते हैं। भी आनंद आया इस ड्रैगन वाले ट्रेन में बच्चों को खिलाने का। कितने चक्कर? 10
20 रुपए में 10 चक्कर, बच्चों को क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हाथी। अरे भाई हाथी में बच्चों खिलाने वाला 20 रुपए में 10 चक्कर, वाह क्या बात। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप तेज बोलो। अरे कुलदीप, कुलदीप नाम है इनका। चलिए चलते हैं इस इच्छाधारी रूप बदलने वाली लड़की के पास अंदर। गाय तुम लोग अंदर आ गए, कैसे लड़की नागिन बनती है देखिए पूरा वीडियो में। गाइस ये देखो, ये लड़की नागिन बनने जा रही है। ये देखो जिस तरह फिल्म में दिखाया जाता है लड़की पूरी तरह से नागिन बन जाती है। देखो आज आपको मैं इस तामेश्वरनाथ मेले में दिखाने लाया हूँ लड़की कैसे कैसे नागिन बन गई है ना। देखो ये आप लोगों ने देख लिया, ये लड़की जो है नागिन बनी। ये लाइट शो था ना, लड़की नागिन बनी ना कंकाल बनी ना रूप बदली, कुछ नहीं, बस आप लोगों के मनोरंजन के लिए मैं आया था है ना। हम लोग मेला करके पूरा चले आए एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ, जहां हम लोगों की बाइक रखी हुई है। यहां पर पास में नाश्ता पानी है और इसके बाद हर चीज़ के सारे सामान हैं जो भी इस मेले में मिल जाते हैं है ना। तो गाइस इस तरह से मेले में हम लोग दर्शन किए, आपने भी हमारे साथ मेले का खूब भ्रमण किया इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। दोस्तों ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि यह मेला जो है सावन माह के शिवरात्रि में एक महीने एक हफ्ते तक लगता है। पहले तो बहुत दिन लगता लेकिन अब जो है ज़्यादातर 15 दिन लगता है। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ की पहले की वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह से कैसे कैसे क्या होता है यहाँ का इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो महाशिवरात्रि की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं दुर्गेश सोनी और आप देख रहे हैं चंदन सोनी आर्ट यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब आखिर।